कि जब तक इंसान की मौत के बाद उसकी अस्थियां हरिद्वार गंगा में प्रवाहित ना हो जाएं, तब तक उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। परंतु लॉकडाउन के कारण कई लोगों की अस्थियां अब संस्कार के बाद अब मोक्ष का इंतजार कर रही हैं। करनाल की अगर बात करें तो समाज सेवी राजकुमार ने बताया कि हजारों लोगों की अस्थियां सभी शमशान में रखी हुई हैं, जो लॉकडाउन के बाद ही गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। जिला प्रशासन की तरफ से भी इस बारे में कोई मंजूरी नहीं दी गई है कि वह हरिद्वार जाकर अस्थि विसर्जन कर आए, क्योंकि गंगा किनारे बैठने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, जिसके कारण अब इंतजार के सिवा और कोई चारा नहीं है। समाज सेवी राजकुमार ने बताया कि दर्जनों बैग व थालियों में हजारों लोगों की अस्थियां संभाल कर रखी गई हैं, जो अब हरिद्वार नहीं जा सकती हैं। ऐसे बहुत से परिवारजनों की तो अस्थियां ऐसी हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका, जैसे अपना अपने परिवार के सदस्यों का उन्होंने दाह संस्कार किया है और उनकी अस्थियों को लेके हिंदू रीति मुताबिक उनकी अस्थियों को लेके हरिद्वार जाना होता है तो वहाँ विसर्जन करना होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है और यहाँ पर हर शमशान घाट के अंदर ये सारी अस्थियों के जो हम खाने बना के रखे हुए हैं ये लगभग भरते जा रहे हैं। और इसके बाबत हमने आगे भी बात करी है तो डीसी साहब ने कहा है कि इसके संबंध में लॉकडाउन के बाद ही कोई बात हो सकती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कोई पास इशू कर भी देते हैं तो आगे ना तो कोई पंडित मिलेगा, ना हरिद्वार के अंदर कोई ब्राह्मण देवता मिलेंगे, जिससे कि इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो हमारा विधि विधान चलता आ रहा है वो रुक जाएगा और आगे भी सारा हरिद्वार के अंदर भी लॉकडाउन है, बंद है। तो इसके अलावा जैसे ये शमशान घाट हो गया, आंसी रोड शमशान घाट है, माल्टोन है, रामनगर है, ऐसे ही अर्जुन गेट शिवपुरी है, जुंडला गेट है, हर जगह पर जो पारिवारिक अस्थियां हैं वो भी पड़ी हुई हैं और साथ में हम जन सेवा दल के माध्यम से जो अनजान शवों का, जिनको लोग लवारिस बोलते हैं, हम उनका दाह संस्कार करते हैं, उनकी अस्थियां भी यहीं पर ही पड़ी हुई हैं और वो लॉकडाउन के चलते अभी रुकी हुई हैं और जब भी ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो उनको फिर विधि मुताबिक, जैसे हिंदू रीति मुताबिक हम उनका विधि विधान से विसर्जन करते हैं, हम हरिद्वार जाके उनका विसर्जन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। हम जन सेवा दल के माध्यम से ये सारा काम होता है, जन सेवा दल अपना आशियाना आश्रम के माध्यम से ये सारा काम होता है जी। भाई साहब, जो लोग अस्थियां रख के जा रहे हैं यहाँ संस्कार हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में जा तो नहीं रहे हरिद्वार, उसके चक्कर में यहाँ अस्थियाँ रख रहे हैं, तो वो लोग परेशान भी है कि हम कैसे करें, कैसे जाएं। तो अब उनको तो कोई जगह तो है नहीं रखने के लिए, यहीं रखनी पड़ रही है। कल को लॉकडाउन नहीं खुलता है तो कोई ऐसा हो भी सकता है कि ये कक्ष भर जाए और हमें रखने के लिए दिक्कत होए। तो यहाँ कितने लोगों की रख रहे हैं? कम से कम जी जो अपने परिवार के हैं लोगों की, वो 15-20 तो यहाँ रखी है, ताकि जो हमारे मानव सेवा संघ वाले हैं 12-13 स्वास्थ्य हैं उनकी रखी हुई हैं, यहाँ कमरे में रखी है जी। तो ये कब तक रखी रहेंगी? ये जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा जब तक तो रखी रहेंगी। इंतजार कर रही हैं जी, मोक्ष के लिए इंतजार कर रही हैं वो। क्या नाम आपका? मेरा नाम रणधीर है जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.